रोज उठाते हैं कलम पर अब सिर्फ अपने गेम के लिए लिखते हैं, जहां कूदते हैं कुछ ही देर में वहां सिर्फ चमकते डब्बे दिखते हैं, हमें किसी से ना कोई नफरत ना किसी से कोई लड़ाई है। अंकल जी आपका लड़का मिलिट्री बेस के बाहर एक बोटनी को टेडी बियर देकर भाग गया, सच सच बताओ हमारे घर ये बात किसने बताई है? भाई किल्चर तू बोटनी पर तो दया दिखाता है और बोटो की करता है पिटाई, इसलिए ये बात मैंने तुम्हारे घर बताई। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो भाइयों आज की वीडियो में भाई बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको, 500-600 किलो मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई आज यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए थे, तो आज मिलिट्री बेस में मचाने वाले है कहर, देखते रहना भाई आज की वीडियो होने वाली है बिल्कुल जहर। भाई किलचोर कति धुम्मा ठा दे धुम्मा, बिच क्या वन बिच क्या टू। अब इनके तो फूट गए थे भाई भाग, इनकी किस्मत में अब एक एक दो दो किलो माइनस लगी हुई थी, तो इसकी तो लग गई माइनस। और इसको देखो भाई, इसके साथ दुश्मनी ना भाई मेरी जहाज में बैठने से पहले ही हो गई थी इसकी, सभी बात बताऊं आपको। तो पहले ये देखो इनका एक लास्ट बंदा जो बचा हुआ था भाई, यहाँ पर हमारे साथ लुकम छिपाई खेलने लग रहा था, और ये बहुत ही चालू बंदा था भाई, ये सोच रहा था कि मैं इसके फ्री फायर में अपना मुंह दिखाऊंगा और ये मुझे मुंह दिखाई दे देगा, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला। अब मैं उस साइड से जाने की सोचता हूं, तो मुझे एक बोटनी दिखी भाई और मैंने इसको लपेट दिया। अब इसकी तो पेटी चमका दी थी, और इसको देखो भाई अब चुन्नू भाग भाग जा, चुन्नू चुन्नू भाग जा, तुझे बोटनी की कसम चुन्नू भाग, बिच के आऊं फोर सभी बंदों का बन गया मोर। अब इस खतरनाक इम्पोस्टर को देखो भाई, अपने चुन्नू मुन्नू टुन्नू का घर उजड़वा कर खुद बचने की सोच रहा था भाई, खुद भाग गया। अब इनकी पेटी चमकने लग रही थी, और इस वाले बंदे के साथ ना भाई हमारी ना जहाज में बैठने से पहले ही दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि इसके पास ये देखो क्या ही प्यारा प्यारा थोबड़ा था भाई, मतलब बोटनी भी फैल हो जाए भाई, अगर बोटनी आधी किलो फेरन वाली लगा लेना तो अब इसके आगे फैल है भाई। अब दिलचोर भाई ने मुझे बोला था जहाज में बैठने से पहले कि आकर देख भाई इसका कैसा फेस है, कितना मस्त लगने लग रहा है, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो आपको दिखाता। और आते ही भाई हमने इसको लपेट दिया, और दिलचोर भाई बोले कि इस थोबड़े को मुझे दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखो भाई इन पर देखो कितना अच्छा लग रहा है, सच में भाई बोटनी भी फैल है इनके आगे। अब इनको टपकाने के बाद हम आ जाते हैं आगे, और आज भाई मिलिट्री बेस में ना दिल खुश हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा लूट करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। अब सी बिल्डिंग में जितने ही बंदे थे ना भाई, सभी के सभी में पता नहीं भाई क्या जोश आया, वो जो है रोड पर आकर भूख हड़ताल कर देते हैं भाई, रोड को जाम कर देते और यहीं पर फाइट करने लग रहे थे, तो हमारा काम आसान कर दिया भाई इन्होंने। अब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मिलिट्री बेस को पोचिंकी के पास धरो, हमारी मांगे पूरी करो। अब इनकी मांगे भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, तो इनकी पेटियां ही चमका देते हैं, नहीं तो ये रेंगल का नक्शा बदल देंगे। अब यहाँ पर भाई एक तो था पापा का हेलीकॉप्टर और एक थी पापा की परी, और मैं जब से भाई मिलिट्री बेस में आया था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मैक आने लग रही थी भाई। अब पता चला कि ये मैक क्यों आने लग रही थी, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है एक मैक नाम की लड़की थी, तो इसकी तो मैंने पेटी चमका दी, क्योंकि भाई ये जो है बहुत ही खतरनाक मांगे मांगने लग रहे थे, अगर इनका बस चले ना तो ये पोचिंकी को भाई लिविक में ले जाकर घुसा दे, इसलिए भाई अब इनकी तो पेटियां चमकानी पड़ेगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब मैंने वहां पर भाई एक बोट भैया को जो है नोक किया, लेकिन उसकी पेटी से भाई किसी और ने धुआं उठा दिया, तो नाश कर दिया भाई इसने तो। अबे ते किलचोर के भी किलचोरी कर लिए, बहुत खतरनाक बनकर दिखा हो, अब सोड़ेगा ये तुम्हें उठा उठा कर। अब यहाँ पर भाई एक बोट अंकल और आ गए थे अपनी केडी बढ़ाने, तो इसकी तो पेटी चमका दी, और अब बारी थी भाई सामने वाले चुन्नू मुन्नू की, जिसने मेरी हेल्थ घटा दी भाई और मेरा किल भी चोरी किया था। अब जिसने भाई मेरा किल चोरी करके पाप किया था भाई, तो उसको तो उसके पापों की सजा मिल गई थी, लेकिन एक बंदा और था भाई यहाँ पर, तो उसको दिल चोर भाई टपका देते हैं। अब इनको लूटते ना भाई, तो इनके पास ना लूट बहुत ही ज्यादा गजब की मिली भाई, मतलब पूरा ही रेंगल खत्म किया जा सकता है, इतना घोड़ा बारूद था इनके पास, और मुझे यहाँ पर भाई लाल घोड़ा भी मिल गया। अब बल्ले बल्ले हो गई, फिर से लूट रहा था तो मुझे फिर लाल घोड़ा मिल गया, तो दो दो लाल घोड़े हम यहाँ पर चला देते हैं ओपन में ही, और कोई भी लूटने नहीं आया, मुझे यहाँ पर भाई ग्रोजा मिल गई थी, और इसमें ओम भी आ गई थी भाई, और दोनों ड्रॉप में जो है ओम आ गई थी, तो दिलचोर भाई की भी बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई थी। और ये देखो भाई थंबनेल के लिए,
तो यहाँ पर इनकी पेटियां चमकाकर हम निकल जाते और आगे आते तो भाई दो नंबर और चार नंबर की किसी के साथ फाइट होने लग रही थी। अब मैं सोचता हूँ कि पहले घर पे आ जाऊँ क्योंकि यहाँ से हमें जो है अलग एंगल मिलेगा। तो ऊपर बंदे को देखता हूँ लेकिन भाई ऊपर कोई भी मुझे बंदा नहीं दिखा और वहाँ पर जो है आइस वॉल बनने लग रही थी। तो वहाँ पर मुझे एक चुन्नू भाई साहब दिखे और ये ना भाई इतना ज़्यादा खतरनाक बंदा था भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा था ये। तो इसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन भाई ये मर नहीं रहा था और ये आगे आने की कोशिश कर रहा था। अब मैं पीछे से घूम के जाने की सोचता हूँ लेकिन ये भाई ना बहुत ही ज्यादा चालू निकला। भाई तू टेंशन मत ले, ये तो बिल्ली के रूप में भालू है, हमें पता है कि हमारा भाई किलचोरी से भी चालू है। अब मैं इतना लंबा रोटेट मार के आता हूँ भाई इस बंदे को टपकाने के लिए लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई। जब मैं यहाँ पर आया ना तो मुझे ये बंदा भाई कहीं पर भी नहीं दिखा और दो नंबर चार नंबर भी वहीं से आगे से टपकाने की सोच रहे थे। तो वहां पर मुझे एक बोट अंकल और दिख गए थे भी, इसको तो मैंने टपका दिया था लेकिन ये बंदा भाई गायब हो गया था। पता नहीं ये जमीन खा गई थी इसको या आसमान निगल गया था। अब ढूंढता हूँ भाई इसे कुछ देर तो ऊपर से जो है फायर हुई, मतलब कि ये बंदा भाई ऊपर चला गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यही बंदा है। तो हम गाड़ी लेकर भाई निकलते ऊपर की तरफ और इसने भाई हमारे दो नंबर की कर दी थी ऐसी तैसी। तो ये पहले यहां पर था लेकिन ये यहां से भी भाई जा चुका था। अगर ऐसे भागेगा तो M4 से झाड़ देंगे, धरती में गाड़ देंगे। अभी इसका भी प्रमोशन कर दिया था भाई हमने लेकिन इसने हमारे दो नंबर के पेट में दर्द कर दिया था। तो मैं पहले दो नंबर के पेट के दर्द का इलाज करता हूँ और हम निकल जाते हैं भाई बंदे ढूंढने के लिए। पोचिंग की भी आई लेकिन भाई हमें यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं दिखा। भाई किलचोर मन लगा कर ढूंढते रहा करो, ढूंढने से तो बोटने भी मिल जाए, बंदे तो क्या चीज है। और अब भाई सर्कल जो है बहुत ज्यादा छोटा रह गया था तो हम ऊपर आ जाते हैं भाई टॉप में। तो लेफ्ट में भी फायर होने लग रही थी और राइट में एक US गई। अब पहले यहाँ पर एक दीवार बनाता हूँ और बंदे आगे थे भाई लेकिन मैं आगे पुश नहीं करता। अब एक बंदे ने भाई हमारे दो नंबर को नोक कर दिया और हमने भी उनका एक बंदा नोक कर दिया था। तो अब उन पर रस नहीं करते, पहले भाई दो नंबर को रिवाइव देते और मैं आगे नेड करने लग रहा था लेकिन भाई पीछे से भी एक बंदा परेशान करने लग रहा था और हम जो भाई यहाँ पर बिल्कुल फंस गए थे क्योंकि ओपन में सर्कल था और पीछे से भी फायर होने लग रही थी, आगे से भी फायर होने लग रही थी। भाई किलचोर कोई बात नहीं, पेटी चमकाने वाले बाबा की जय बोलकर पेटिया चमका दे पेटिया। अभी ये जो है भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन गई थी भाई। आगे भी बंदे थे जो कि हमारे ऊपर पुश करने लग रहे थे और पीछे भी बंदा था भाई जो हमें परेशान करने लग रहा था। अगर हम आगे जाते तो क्या पता भाई पीछे वाला मौके पे चौका मार देता। अब ये पीछे वाला चुन्नू भाई बहुत ज्यादा परेशान करने लग रहा था, मन कर रहा था कि भाई इसको उठाकर मीरामार में फेंक दूं लेकिन कर क्या सकते हैं भाई, इतनी पावर हमारे अंदर नहीं है। अब इसने हमारे दो नंबर को नोक कर दिया था और सामने वाले बंदे भी भाई हमारे ऊपर पुश करने लग रहे थे तो हम कवर तो नहीं छोड़ सकते भाई, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है गोलियां लगेगी। अब एक बंदे की जो है लेफ्ट से आवाज आने लग रही थी और आगे भी नहीं जा सकता भाई क्योंकि हो सकता है कि आगे तीन बंदे हो और वो जो है अच्छे से TPP लेकर खड़े हो भाई वहां पर और हमारी ऐसी तैसी कर दे। अभी ये पापा की परी वाले कपड़े पहनकर भाई ये मम्मी का कॉकरोच हमारे ऊपर पुश कर देता तो इसको तो हमने नोक कर दिया लेकिन भाई इसने जो है मेरी बिल्कुल 1 HP कर दी थी। तो पिछले वाले चुन्नू भाई साहब ने जो है मौके पे चौका मार दिया और उसने भाई मुझे नोक कर दिया। अब यहाँ पर भाई इस गेम की ना बिल्कुल ऐसी तैसी हो सकती थी भाई, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब और गंभीर बनी हुई थी भाई। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिवाइव, अगर इस टाइम भाई सामने वाली टीम हमारे ऊपर पुश कर देती ना तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती बिल्कुल। अब मैं दिलचोर भाई को बोलता हूँ कि भाई पीछे वाले बंदे को टपका दे ओम से। वैसे इसको मैंने ही मना किया हुआ था क्योंकि भाई मेरा मन कर रहा था उस वाले बंदे को टपकाने का लेकिन अब जो भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई थी। तो दिलचोर भाई का कमाल देखियो तुम। अब अभी ये भाई साहब जो हमारे दो नंबर को खा गया भाई लेकिन अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा हो ना तो इसको टपकाने से पहले भाई हमारे दिलचोर भाई ने बहुत ही कमाल का हेडशॉट दिया भाई पिछले वाले बंदे को। तो पिछले वाला बंदा खत्म हो चुका था, अब लास्ट वाले बंदे को ढूंढने लग रहे थे भाई लेकिन बंदा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही घूमते रहे तो मुझे लगा कि भाई वहां पर जो है कोई लेटा है। तो मैं दिलचोर भाई को बोलता हूँ कि भाई गाड़ी को यहीं पर पार्क कर दे। भाई
और ये देखो भैया एनाकोंडा, विनर 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 पाव भाजी डिनर। तो आज किस गेम प्ले वीडियो में भाई इतना ही था। उम्मीद है आपको आज किस गेम प्ले वीडियो में 500-600 किलो मजा आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तब आई। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी कर लेना भाई, उसका भी लिंक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।